और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। नगर निगम में फिर से एक और घोटाला हुआ है। फर्जी तरीके से खाते में वेतन का भुगतान किया गया है। 104 मालियों के नाम पर वेतन का भुगतान किया गया है 78.45 यानी कि 78,45,000 रुपए का घोटाला हुआ है। मेयर आशाराम शर्मा ने उद्यान प्रभारी से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। तो गाजियाबाद नगर निगम 8 महीने से 104 लापता मालियों को वेतन दे रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। नगर निगम में फिर से एक और घोटाला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से। फर्जी तरीके से खाते में वेतन का भुगतान किया गया। 104 मालियों के नाम पर वेतन का भुगतान किया गया है। आपको बता दें कि 78,45,000 रुपए का घोटाला हुआ है। और शिव त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शिव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद नगर निगम में लगातार जो घोटाले का दौर है वो लगातार जारी है। और ऐसे में अब उद्यान विभाग का मामला सामने आया, जहाँ पे नवम्बर 2018 में नगर निगम के द्वारा 104 माली को रखना था। और ऐसे में जो 104 माली रखने के लिए जो खर्चा आ रहा था वो 78 लाख रुपए उनका वेतन था। नवंबर माह से अभी तक भी 104 माली नहीं रखे गए और लगातार उनका वेतन जो है नगर निगम के द्वारा उद्यान विभाग को दिया जा रहा था। अब ऐसे में जो मेयर है गाजियाबाद की, उन्होंने जब ये मामला सामने आया उनके सामने, तो उन्होंने इस मामले की जांच बिठाई है। अब उद्यान विभाग के जो अधिकारी हैं उनको 3 दिन में रिपोर्ट तलब करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 78 लाख रुपए का जो ये घोटाला हुआ है ये किसके गबन करा गया, और लगातार जिस तरीके से नगर निगम में मामले सामने आ रहे हैं, अब ऐसे में उद्यान विभाग को जो ये मामला सामने आया उसमें 3 दिन में जो है नगर निगम को रिपोर्ट देनी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 104 मालियों के नाम पर वेतन का भुगतान किया गया, फर्जी तरीके से वेतन का भुगतान किया गया, 78,45,000 रुपए का घोटाला रहा है।